एसआईटी के गठन को 3 साल से ज्यादा का समय हो चला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार हो रहे अवैध भूमि कब्जे और भू माफियाओं के हौसलों पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी को 2 जोन में बांटा गया है, जिसमें से एक गढ़वाल और दूसरा कुमाऊं जोन है। एसआईटी ने अपने 1 साल के कार्यकाल में कई भूमियों पर हुए अवैध कब्जों को न केवल हटाया बल्कि कई भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही भी की है। डीआईजी पुष्पक ज्योति ने बताया कि इस साल कुल 939 शिकायत प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से एसआईटी द्वारा कार्रवाई कर 858 शिकायतों की जांच कर निस्तारण किया जा चुका है, जिसमें से 107 प्रार्थना पत्रों पर मुकदमा कायम कर कार्रवाई की गई है, जिसमें 225 अभियुक्त शामिल हैं। 81 प्रार्थना पत्रों पर जांच जारी है। इस महीने दिसंबर में 8 प्रार्थना पत्रों पर एसआईटी द्वारा जांच कर संबंधित जनपदों को मुकदमा कायम कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। सबसे पहले शासन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एसआईटी टीम का गठन किया, जिससे पब्लिक को बहुत राहत है। और इस तरह का कोई फोरम नहीं था जहाँ पे वो धोखाधड़ी के केसेस ले जाए और जिनका विधिवत और हाई लेवल पे परीक्षण किया जा सके। तो ये एसआईटी अपने जनता को राहत देने में काफ़ी सफल हुई है। और इस जहाँ तक आंकड़ों का प्रश्न है, मैं बता दूँ 2017 में 936 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 850 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण हुआ, जांच हुई। उसके तहत जो 107 प्रार्थना पत्र हैं उनमें आरोप सही पाए गए और कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट को, जिसमें मेजर पोर्शन है देहरादून का, मुकदमा पंजीकृत करने के लिए निर्देशित किया गया। मुकदमे पंजीकृत हुए, कुछ अभी प्रक्रिया में है। और जो मुकदमे पंजीकृत हो चुके हैं उसमें अभी तक 220 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस तरह से धोखाधड़ी देने वालों के लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और काफ़ी केसेस अब कम हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। ये एसआईटी की सफलता है।